हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम उस तिजोरी को खोलने जा रहे हैं जहाँ पे बेस्ट विलेंस एग्जिस्ट करते हैं, और उन विलेंस में अगर कोई एनिमेटेड विलेंस की बात किया जाए तो सबसे टॉप पे एक ही कैरेक्टर आता है और वो है metaphorically or rhetorically or poetically or theoretically or in any other fancy way. I'm death. Straight up. हाँ, मुझे पता है तुम में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे एक उल्फ जिसका नाम डेथ है और एक किसी बिल्ली का एनिमी है, वो वाला कैरेक्टर वाइज जोकर, थैनोस, डार्क साइड, हाई एवोल्यूशनरी जैसे विलेंस का मुकाबला कैसे कर सकता है। पर जिसने भी ये मूवी देखा है उसे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में डाइव इन करते हैं। पुस इन बूश द लास्ट ट्विस्ट भले ही एक एनिमेटेड मूवी था, पर इस मूवी के कैरेक्टर्स बहुत मेमोरेबल थे, एंड सबसे मेमोरेबल था डेथ, एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री। डेथ को मूवी के शुरुआत में एक बाउंटी हंटर के तरह तो दिखाया गया था, पर वो कोई मामूली सा असासिन या बाउंटी हंटर नहीं है, वो एम्बॉडीमेंट है मोर्टैलिटी का। हर एक जिंदगी का अंत होता है और डेथ वही अंत है जिससे भागा नहीं जा सकता। उसका प्रेजेंस मूवी के हर एक सीन में हेवी फील होता है कि जिंदगी कितना नाजुक है एंड समय कितना अनमोल है। चार्मिंग क्रीपीनेस। डेथ एक टिपिकल कार्टून विलेन जैसा नहीं है कि पागलों की तरह हंसता रहे या फिर दिखने में डरावना लगे। डेथ पुस को एक फ्रेंड की तरह अप्रोच करता है, उसे ऑफर देता है, झूठे उम्मीदों से उसे टेम्प्ट करता है। वो पुस को डराने से ज्यादा पुस के अंदर के अनसर्टेनिटी और उसके पर्सनैलिटी को टूटते हुए देखने में मजा लेता है। किलर डिजाइन। लेट्स फेस इट, डेथ दिखने में तो बहुत कूल है, ग्रे फर, पियर्सिंग रेड आईज और दो साइड के साथ वो शेडी ड्रेस किसी के स्पाइन में भी चिल्स ला सकता है। डेथ वो कैरेक्टर है जिसको देख के तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम डर के मारे तुम्हारा पैर ही काम करना बंद कर देगा। हीरोज रिफ्लेक्शन। डेथ पुस के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं था कि पुस उसे ओवरकम कर दे। डेथ पुस के मोर्टैलिटी के डर का रिफ्लेक्शन था, क्योंकि पुस खुद को एक इमोर्टल बीइंग सोचता था। पुस सोचता था कि उसके पास बहुत सारा लाइफ अभी भी है, पर लास्ट लाइफ पे डेथ को सामने देखने के बाद उसे इसको खोने का डर होने लगा, एंड डेथ के इस इंटरफेरेंस के वजह से पुस विशिंग वेल में और जिंदगी मांगने के लिए डेस्परेट हो गया। अनएक्सपेक्टेड एम्पथी। डीप डाउन डेथ का मोटिवेशन बहुत सिंपल था कि वो बोर हो चुका था, वो लाखों सालों से सोल्स कलेक्ट कर रहा था और वो जानता था एक लिविंग बींग कैसे अपने जिंदगी को खोने से डरता है, और उसने हर बार ये देखा भी है। पर जब उसने पुस को देखा तो उसे अपने डेली रूटीन में थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा, पर मूवी के एंड में पुस के कैरेक्टर के अंदर चेंजेस आने की वजह से डेथ का एक्साइटमेंट खत्म हो गया। उसे लगने लगा कि पुस भी अभी बाकी लिविंग बींग्स जैसा हो गया है। तो क्या डेथ सच में बेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम है? ये कम्प्लीटली तुम लोगों पे डिपेंड करता है, बट ये तुम डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि डेथ जैसे विलेन्स को तुम विदाउट एडमायर किए बिल्कुल भी रह नहीं सकते। वैसे सब कुछ जानने के बाद तुम डेथ के बारे में क्या सोचते हो कमेंट पे जरूर बताना, और अगर तुम गॉडज़िला के बारे में जानना चाहते हो तो तुम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।